नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि जो सफ़ेद कुष्ठ होता है, जिसको सफ़ेद दाग कहते हैं, चेहरे में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, तो ये सफ़ेद दाग, इसको आयुर्वेद की भाषा में श्वेत कुष्ठ कहते हैं। तो इसमें चरक संहिता में चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में कुष्ठ चिकित्सा अध्याय है, इसमें सफ़ेद कुष्ठ की वो की गई है। तो इसमें एक श्लोक दिया गया है, मूलक बीज यानी कि मूली के बीज को और बकुची के बीज को, मात्र दो चीज़ें लेनी है, मूली के बीज को, बकुची के बीज को, और गाय के मूत्र के साथ पीस करके लेप बनाएं और तैयार करें। तो लेप तैयार जब हो जाए तो इसको लगाने से श्वेत कुष्ठ का विनाश हो जाता है, माने श्वेत कुष्ठ खत्म हो जाता है। इससे सरल और उपाय क्या हो सकता है, जिसमें बड़ा ही आसानी से इसमें क्या है कि इसमें आया है कि मूलक बीजावलगुज लेपा पिष्टो गवाम मूत्रे। मूलक बीज, मूलक माने मूली के बीज को, अवलगुज, अवलगुज को कहते हैं वो बकुची को, तो इसको लेपा, इसका लेप बनाए पिष्टो पीस करके, किसमें, गवाम मूत्रे, गौ के मूत्र में, यदि इसको बना करके इसको हमें लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका कुष्ठ रोग शांत हो जाता है। इससे सरल उपाय क्या हो सकता, बहुत आसान उपाय है, और बकुची है, मिल जाती है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई बकुची बाकुची सब कहते हैं तो यही बाकुची बकुची यही होता है, बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।